गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10। बच्चों आप किसमें पढ़ रहे थे? सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण। पिछली क्लास में जैसे हमने आपको बताया था कि मनुष्यों के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र, जिसमें हमने आपको बताया था कि 22 जोड़ी जो होते हैं वे ऑटोसोम्स की संख्या होती है, तथा एक जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वही क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। और हमने बताया थे कि स्त्री तथा पुरुष के गुणसूत्र दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे स्त्री में हमने आपको बताया था कि एक्स एक्स होते हैं और पुरुष में एक्स वाई। जब एक्स एक्स गुणसूत्र जाकर मिलते हैं तो क्या बनता है? पुत्र। और जब एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं तो पुत्री, सॉरी, जब एक्स एक्स गुणसूत्र मिलते हैं तो पुत्री का निर्माण होता है, और जब एक्स वाई होते हैं तो पुत्र का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें हमने बताया था कि कुछ वातावरण के ऊपर डिपेंड थे। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था आपको कछुए का, कि जब तापमान क्या हो, 27 से नीचे हो और ऊपर का तापमान हो तो उनके नर होते हैं, मादा होते हैं, जब बीच में हो तो नर और मादा दोनों होते हैं। बताया था एक एग्जाम्पल, वो कैसा होता है? वातावरण के अनुसार, यानी कि क्रोमोसोम्स में गर्माहट के कारण, मौसम में गर्माहट के कारण, ठंडक के कारण जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रभावी और अप्रभावी हो जाते हैं एक्स वाई, इसी कारण क्या होते हैं। जैसा कि उसमें हमने बता दी, कछुओं में अगर 28 से नीचे का तापमान है तो नर, यानी कि उसमें जो नर कछुए थे वे अधिक होते हैं, और जब ये 33 के ऊपर पहुंच जाते हैं तो मादाएं अधिक होती हैं। लेकिन जब तापमान 28 और 33 के बीच में हो तो नर और मादा दोनों होते हैं। तो ये वातावरण के ऊपर ऐसे पता भी लगा सकते हैं, लेकिन मनुष्यों में ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि गर्भ में जो शिशु पल रहा है वह नर है या मादा। जैसा कि हमने उस बार बताया था आपको कि ये सिर्फ एक ही विधि से जाना जा सकता है, अल्ट्रासाउंड विधि से। ठीक है, बाकी किसी से आप नहीं जान सकते कि गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसका सेक्स क्या है, वह नर है कि मादा है। हेडिंग डालेंगे आज मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य में लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। मनुष्य में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। देखिए, जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये कौन सा गुण बताता है तथा ये दिया किसने? एक ही व्यक्ति है वो, कौन? मेंडल, है ना? मेंडल ने ही सब कुछ बताया था। उन्होंने मटर के पौधे पर परीक्षण किया था, उन्होंने ही बताया कि लंबे पौधे होंगे, कि बौने पौधे होंगे, कि संकर पौधे होंगे, कैसे होंगे। तो चलिए इसमें लिखेंगे, ये हेडिंग तभी में डालनी होगी, मनुष्य में लिंग निर्धारण। लिखिए, सभी जीवों में लिंग का निर्धारण, सभी जीवों में लिंग का निर्धारण मेंडल के, सभी जीवों में लिंग का निर्धारण मेंडल के नियमानुसार होता है, मेंडल के नियमानुसार होता है। मनुष्य में लिखेंगे, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया युग्मक जनन के दौरान प्रारंभ होती है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया युग्मक जनन के दौरान, प्रक्रिया युग्मक जनन के दौरान प्रारंभ होती है।
युग्मक जनन में, युग्मक जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, युग्मक जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा आगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। विभाजन द्वारा आगुणित युग्मकों का निर्माण, आगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। प्रत्येक अंडाणु में, प्रत्येक अंडाणु में 22 यानी कि 22 दैहिक गुणसूत्र, 22 दैहिक गुणसूत्र, दैहिक का मतलब जो अपने शरीर से बने हो, 22 दैहिक गुणसूत्र तथा एक लिंग गुण सूत्र होता है, तथा एक लिंग गुण सूत्र होता है। इस तरीके से होते हैं, जे क्रोमोसोम है, जे ऑटोसोम्स है। पिछले बार आया था पेपर में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है, ये ऑटोसोम्स है, ऑटोसोम्स की संख्या 22 जोड़ी होती है। फिर लिखेंगे स्त्री में बने हुए युग्मक, स्त्री में बने हुए युग्मक 22 प्लस एक्स वाले होते हैं, इसे लिखना जरूर है। स्त्री में बने हुए युग्मक 22 प्लस एक्स वाले होते हैं, 22 प्लस एक्स वाले होते हैं, जबकि पुरुषों में, जबकि पुरुषों में युग्मक, जबकि पुरुषों में युग्मक 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई गुणसूत्र होते हैं, वाई गुणसूत्र बनते हैं। लिखेंगे रिप्रोडक्शन के दौरान, यानी कि जनन के दौरान नर से प्राप्त, जनन के दौरान नर से प्राप्त युग्मक, प्राप्त युग्मक अंड से मिलता है, प्राप्त युग्मक अंड से मिलता है, जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप 44 प्लस एक्स एक्स या 44 प्लस एक्स वाई लिखेंगे। जब अंड से मिलते हैं तो 44 प्लस एक्स एक्स या 44 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र बनते हैं। या तो देखो ये बनेगा, है ना, देखिए ये क्या है, अंड है, स्त्री का अंड है, और ये पुरुषों के क्या है, युग्मनज है, जिसे शुक्राणु कहते हैं। और जब ये जाके इसके टकराता है, इसको भेजता है, तो इसके अंदर क्या है, एक्स एक्स है, और अगर यहाँ से भी एक्स वाई आया और ये एक्स एक्स मिल गया तो क्या बन गई पुत्री, और अगर ये एक्स वाई मिल गया तो क्या बन गया पुत्री। तो जब ये मिलते हैं तो या तो ये बनता है या फिर ये बनता है। इस प्रकार लिंग का निर्धारण, इस प्रकार लिंग का निर्धारण
होता है। इस प्रकार लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, अब इसका हम डायग्राम बना दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। तो ये समझ में आया कि इसे शुक्राणु भी कहते हैं और ये युग्मज है और ये अंडाणु है। जब ये जात इसके अंदर भी क्या है, इसके पास है एक्स और वाई और इसके पास क्या है सिर्फ एक्स एक्स। जब इससे टकराता है तो या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा, क्योंकि ये भी तो मिलेगा इससे, अब तो बन सकता है या तो ये या तो देखो किस प्रकार से ऐसी पशुओं में ही होता है, क्योंकि एक लिंगी जानवरों में इसी प्रकार से होता है। तो देखेंगे यहां पर देखेंगे 44 प्लस एक्स वाई और यहां पर लिखेंगे 44 प्लस एक्स एक्स। ये क्या है, पुरुष है, नर जनन कोशिका और ये मादा जनन कोशिका, नर जनन कोशिका मादा जनन कोशिका। देखिए इसके पास कितने हैं, दो है, एक एक्स और दूसरा वाई। इसके पास कितने हैं, दो, एक एक्स और दूसरा भी एक्स। जब क्या हुआ इससे ये, तो इसके पास क्या आ गए, बाईस प्लस एक्स और इसके पास भी 20 प्लस वाई। इसी प्रकार इसके पास भी 22 प्लस एक्स और इसके पास भी 22 प्लस एक्स। अब ये क्या करेगा, जब देखो यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन हुआ और जब ये क्या करेगा, ये अपने गुणसूत्र यहाँ देगा, ये यहाँ देगा, ये अपने गुणसूत्र यहाँ देगा और दूसरा यहाँ देगा, ये अपने एक इसको देगा और एक इसको देगा। ये जो है ये अपने को सूत्र एक इसको देंगे और एक इसको देंगे। तो देखो जब इसने इसको दिया, यहां इसके पास क्या था, एक्स था, यहां से क्या आया वाई, इस इधर इसके पास क्या है एक्स, इसके पास से क्या आया एक्स, इसके पास क्या है एक्स, इसके पास क्या है वाई, इसके पास क्या है एक्स, इसके पास क्या है। तो देखो समझ में आ रहा है, ये इसके पास एक्स था और दूसरा मादा के पास से भी एक पुरुष है, पुरुष के पास भी एक्स है और मादा के पास से भी प्राप्त हुआ एक्स, तो ये क्या बन गई पुत्री, पुत्री का निर्माण हो गया। अब ये वाई है, इसके पास जो दूसरा गुणसूत्र है वो है वाई, यहाँ आया और एक गुणसूत्र कहाँ से आया, मादा के पास से, तो ये क्या बन गया नर यानी कि पुत्र। इसी प्रकार से अब देखिए इसके पास क्या है भाई, इसने इसको दिया, इसके पास क्या था एक्स, तो ये देखो एक्स भाई है, तो ये क्या बन गया पुत्र और इसके पास एक्स है और यहां से इसने इसको दिया एक्स, तो ये क्या बन गया। तो देखिए कि दो पुत्र और दो पुत्री यानी कि 50-50%। ठीक है, नोट करिए इसे। तो ये हो गया मानव में शिशु लिंग निर्धारण, हेडिंग डाल देंगे मानव शिशु में लिंग निर्धारण, इसका नाम पूरा है मानव शिशु में लिंग निर्धारण। भगवान के पास से मनौती मानने से या बाबा जी की दी हुई भभूति खाने से कुछ नहीं होता है ना, ये कितने होता है शारीरिक क्रियाओं से, और वो किसी को पता नहीं होता, किसी बाबा जी को या किसी इसमें डॉक्टर भी फेल है,
डॉक्टर भी नहीं, चाह के भी नहीं कर सकते कि अगर आप उनसे कहें कि हमें पुत्र की जरूरत है, हमें पुत्र चाहिए, तो उनके पास भी कोई ऐसी औषधि नहीं है कि वो आपको दे दें तो पुत्र ही संतान हो। वो सब झूठे होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, और लोग उनके चक्कर में पड़ के अपना पैसा, समय, शरीर, सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। ठीक, इसीलिए पढ़ना, शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। और शिक्षित लोग भी क्या करते हैं, इन्हीं के जाल में फंस जाते हैं। कुछ तो इतने मूर्ख होते हैं कि जब उन्हें पता चल जाता है कि उनके गर्भ में पुत्री पल रही है, कि अल्ट्रासाउंड विधि से पता कर लेते हैं, तो उसे क्या कर देते हैं, MTP करा देते हैं, है ना। यानी कि MTP जानते हैं क्या होता है, अर्गोशन, यानी कि उस बच्चे को हटवा देते हैं, जो कि कितना खतरनाक है, हैं? खतरनाक भी है, कितना बड़ा पाप भी है। अल्ट्रासाउंड विधि का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि पेट में, पेट के अंदर जो खराबी हो उसे पता लगाया जा सके, इसलिए नहीं कि आप किसी गर्भ को नष्ट कर सके। इसे नोट कर लीजिए सभी लोग। तो इसी के साथ ये जो आपका अनुवांशिकता चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको अगला चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर आपका होगा, उसका नाम है जीवन की उत्पत्ति एवं जैव विकास, जिसे कहेंगे ऑरिजिन ऑफ लाइफ एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, यानी कि जैव विकास कैसे उत्पन्न हुआ, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। नोट कर लें सर। समझ में सबको आया, ये आता भी है एग्जाम में, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसे।